देहरी स्थित राजकीय विद्यालय में बीकॉम में पढ़ने वाले छात्रों व फर्स्ट ईयर में फेल हुए छात्रों ने NSUI के नेतृत्व में कक्षाओं के बहिष्कार करते हुए यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। को बता दें जहां बीकॉम पर अंग्रेजी विषय का परिणाम आज करीब सवा साल बीतने के बाद भी यूनिवर्सिटी द्वारा निकाला नहीं गया है, तो वहीं फर्स्ट ईयर का परिणाम भी देरी से व खराब निकाला गया, जिसके चलते एक तरफ बीकॉम के छात्र पिछले 6 दिनों से कक्षाओं के बहिष्कार कर रहे हैं, तो वहीं फर्स्ट ईयर के फेलर छात्र भी परिणाम देरी से व खराब निकलने की वजह से अपनी कक्षाओं का बहिष्कार कर रहे हैं। अपनी कक्षाओं के बहिष्कार सेकंड ईयर की कक्षा में बैठने की अनुमति मिलने पर अड़े हुए हैं। वहीं सोमवार को दोनों कक्षाओं के छात्र छात्राओं द्वारा यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए इंसाफ न मिलने की सूरत में सड़कों पर उतरने का प्रण लिया गया। अंकिता जी, आज दूसरे वर्ष के विद्यार्थियों द्वारा कक्षाओं का बहिष्कार किया है, तो प्रशासन से आप अपनी क्या मांग रखना चाहते हैं? यूनिवर्सिटियों की गलतियों के कारण हमारे 2-2 साल बर्बाद हो रहे हैं और हम चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी हमें दूसरा मौका दे ताकि हम द्वितीय वर्ष की कक्षाओं में बैठ सकें। गौरव जी, बीकॉम के जो छात्र हैं इनके द्वारा आज पूरे महाविद्यालय में कक्षाओं का बहिष्कार करवाया गया है, तो प्रशासन का आपकी तरफ क्या रवैया जो आपको ये कदम उठाना पड़ा? मैं गौरव, बीकॉम का छात्र, ये मेरे साथ मेरे सभी साथी बैठे हुए हैं। हम पिछले 6 दिन से हम लोग प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं, हमारी कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है। अब इसीलिए मजबूरन हमें आज कॉलेज को बंद करना पड़ा क्योंकि हमारी कोई सुन ही नहीं रहा है। हमने इतनी एप्लीकेशंस दी हैं, इतने हमने हर एक फॉर्मल वे में हम लोग हर एक कमरे में जाके टीचर से बोल के हमने अपनी समस्याएं बताई गई हैं, पर कोई भी हमारी सुनवाई नहीं कर रहा। और अगर यही रवैया रहा तो हमें सड़कों पर उतर भी सकते हैं हम लोग। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए फतेहपुर से सुरेंद्र मिन्हास की रिपोर्ट।